लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे इंटरस्टाइनल डाइजेशन की, हम लोग बात कर रहे थे। हमारे लास्ट की दो वीडियोस से इंटरस्टाइनल डाइजेशन चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हमने बात की थी फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हमने जो फैट मॉलिक्यूल था वो अनडिजॉल्व कंडीशन में था, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। उसको हमने डिजॉल्व करने के लिए प्रोसेस पढ़ा। प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा था बाइल जूस को, ठीक है ना। बाइल साल्ट्स को, इसमें लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट, वो क्या हो सकता है, फैट मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकता है। वो क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। दूसरा होता है पोलर पार्ट। दूसरा क्या होता है, पोलर पार्ट, ये फैट मॉलिक्यूल के साथ डिजोल्व नहीं हो सकता, ओनली वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिजोल्व होगा। अब ये क्या करेगा, ये जो फैट मॉलिक्यूल्स था इसके साथ जो लेसिथिन था ये जुड़ेगा अगर, और इसका भी नॉन पोलर जो पार्ट है, इसका भी नॉन पोलर जो पार्ट है ये आके जुड़ेगा, और इसको फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे डिजोल्व होने के लिए, छोटे छोटे डिजोल्व होने हो सकने वाले मॉलिक्यूल्स में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। और जो फैट मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं स्मॉल अमाउंट के, स्मॉल डायमीटर के, इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। फिर बात आई इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, इंटेस्टाइनल डाइजेशन के अंदर ही एक प्रोडक्ट और होता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसका फॉर्मेशन होता है पेनक्रियास के अंदर। पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उसके अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी एंजाइम होता है उसको पहले एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है हमें। कोई भी एंजाइम होता है उसे क्या करना पड़ता है, हमें एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है। अभी सारे के सारे मोस्टली जो एंजाइम होते हैं, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनको एक्टिव फॉर्म में जो चेंज करा जाएगा पहले, तो और फिर क्या किया जाएगा, इनको आगे यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम एंजाइम देखें, ये लिख सकते हैं हम लोग पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस हैज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में पहला होता है, फर्स्ट यदि बात की जाए तो ट्रिप्सिनोजन की, ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको हमको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म के अंदर लाना है। तो एक्टिव फॉर्म के अंदर लाने पे क्या बनता है हमारे पास, ट्रिप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म, ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज। इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम होता है एंट्रोकाइनेज, इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर होता है एक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना। ये कह सकते हैं प्रो इलास्टेज। प्रो वर्जन क्या होता है, हमेशा पहले का वर्जन होता है। तो इससे क्या बन जाएगा, एक एक्टिवेट जो फॉर्म टाइप का, एक्टिवेट टाइप का क्या बन जाएगा, एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज। प्रो इलास्टेज से किस में चेंज हो जाएगा, इलास्टेज में चेंज हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रो इलास्टेज, प्रो इलास्टेज ये क्या है, इनएक्टिवेट एंजाइम है, ठीक है ना। इस पे ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है यहाँ पे क्या आएगा, काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम ऊपर बना था हमारे पास ट्रिप्टिनोजन से, ट्रिप्सिन यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम
इलास्टेज को किस में चेंज कर देगा, इलास्टेज में काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज में चेंज कर देगा, काइमो ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज। ये जो प्रोवर्धन थे एंजाइम के, ये जो प्रोवर्धन थे किस में चेंज हो जाएंगे, मैच्योर टाइप के क्या हो जाएंगे एंजाइम्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है, तीन अलग अलग एंजाइम है जिस पे काम कर रहा है ट्रिप्सिन। पहला था काइमोट्रिप्सिन ओजन को, काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर दिया, काइमोट्रिप्सिन ओजन को ट्रिप्सिन ने किस में चेंज कर दिया, काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किस में चेंज कर दिया, कार्बोक्सी पेप्टाइज में पेप्टाइडेज में चेंज कर दिया। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में चेंज कर दिया है, ठीक है ना। फिर ये जो वाले एंजाइम है किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे। अब ये वाला जो एंजाइम हमारे पास बन के आए, जैसे कि हमने बात किया ट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन की, ये किसको, प्रोटीओजेज पेप्टोन को और पॉलीपेप्टाइड को क्या कर देंगे, छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड की चेन्स में तोड़ देंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम प्रोटीज। ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोटीज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब आपको ये पता होता है, मैनी होता है, पॉलीपेप्टाइड। इस पे कौन से एंजाइम काम करेंगे आपके, ये वाले मोस्टली काम करता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज कर देगा इन मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, ट्राईपेप्टाइड्स में एंड डाईपेप्टाइड्स में। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीओजेस को किस में चेंज कर दिया, स्मॉल जो प्रोटीओजेस क्या था हमारा, था लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स थे, उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर दिया। जो पेप्टोन था उसको ट्राईपेप्टाइड, जिसमें तीन मॉल कार्बो तीन प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड थे इसको डाईपेप्टाइड में, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड दो पेप्टाइड के बॉन्ड मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों, इस कंडीशन में बदल दिया। फिर जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है इसको आगे ब्रेक किया सकता है और किस में चेंज किया सकता है, अमीनो एसिड्स में। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, इनको किस में चेंज किया जा सकता है, अमीनो एसिड्स में, जो कि क्या होते हैं, जिनकी सहायता से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड्स की सहायता से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बना सकते हैं हम लोग डाई पेप्टाइड, और इस पे कौन काम कर रहा था, यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि यहाँ पे एंजाइम था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है ना। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम आपने पढ़ा हुआ है पहले ही चैप्टर, हमेशा सफिक्स के रूप में इज वर्ड लगाते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ASE इलास्टेज, ठीक है, एंटरोकाइनेज, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, प्रोटीएज। तो इस प्रकार के एंजाइम ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो बात की जाए इलास्टिक की, ये जो प्रो इलास्टेज को चेंज कर रहा था, किसमें, इलास्टेज नामक एंजाइम में चेंज किया था, जो कि क्या होता है, फूड के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, फूड के अंदर क्या पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाते हैं, उसको इलास्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करने का काम करता है। इलास्टिसिटी आपको पता है, किसी भी चीज़ के खींच किसी भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, खींचने का जो गुण होता है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, इसके कारण होता है, इलास्टीन प्रोटीन के कारण होता है। रबड़ होता है, इसको आसानी से खींचा जा सकता है, खींचने का कारण होता है, उसमें इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इलास्टिन जो प्रोटीन होता है, एक फाइबर होता है, फाइबरस प्रोटीन होता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, इलास्टिन इलास्टेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड।
इलास्टिन, फाइबर्स, प्रेजेंट इन फूड आर डाइजेस्टेड बाय आर डाइजेस्टेड बाय इलास्टेज आर डाइजेस्टेड बाय इलास्टेज। इलास्टेज की सहायता से क्या किया सकते हैं, इनको डाइजेस्ट किया जा सकता था, डाइजेस्ट किया जा सकता था। फिर बात की जाए यदि स्टार्च की, जो कि क्या है, एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन की और कोई भी अदर कार्बोहाइड्रेट की, कोई भी अदर कार्बोहाइड्रेट की जो कि क्या हो, पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल हो, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज वगैरह हो गया। मोस्टली सेलुलोज ह्यूमन बीइंग में काम नहीं आता, अगर एनिमल की हम लोग बात करते हैं तो सेलुलोज भी वहाँ काम करता है। अब इनको डिसॉल्व करने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए हम लोग पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाया जाता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। इन सबको, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, इसमें चेंज कर देते हैं माल्टोज में, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड टाइप की शुगर है, डाइसैकेराइड में और ऑलिगोसैकेराइड्स में चेंज कर देता है। स्टार्च ग्लाइकोजन, स्टार्च ग्लाइकोजन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड ऑलिगो सैकराइड्स, माल्टोज एंड ऑलिगो सैकराइड्स, ठीक है ना, किसमें, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने। एक बार और समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा था। हमने इस रिएक्शन को इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, माल्टोज में, या कह सकते हैं कोई भी ऑलिगो सैकराइड शुगर में। ऑलिगो का मतलब होता है टू, ये क्या है, पॉली सैकराइड्स, जो कि लार्ज मॉल कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको किसने ब्रेक किया है, पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम पाया जाता है और वो एंजाइम होता है एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या कर दिया, इनको ब्रेक कर दिया है, किसमें, माल्टोज में और ऑलिगोसैकेराइड्स में। इसी प्रकार से जो पैनक्रियाटिक जूस था, हमने बाइल जूस की पहले बात की, उसने किस पे काम किया था, लेसिथिन के साथ मिलकर फैट मॉलिक्यूल्स पे काम किया था, फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम किया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें भी क्या होता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फूड का, हमारे पास इमल्सिफाइड फैट का जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ये इमल्सिफाइड फैट के जो मॉलिक्यूल्स आए थे, इन पे काम कर सकता है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, और इसको किस में चेंज कर देता है, जो फैट के जो सब्सटेंस होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट को फॉर्मेशन करते हैं, तो फैट को यदि ब्रीक किया जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड में तोड़ देता है, कौन, लाइपेज एंजाइम, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस हैज़ जूस हैज हैज लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम विच डाइजेस्ट ऑल
इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स ऑल, इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हम यहाँ के लिख सकते हैं इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है ना। ये क्या था हमारे पास पहले बन के आया था जब हमने इस पे लेसिथिन का काम किया था, लेसिथिन को यूज़ किया था। तो इस पे हम लोग किस लाइपेज एंजाइम को वर्क करा सकते हैं और इसको किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, फैटी एसिड्स में, किस में तोड़ सकते हैं, फैटी एसिड में। अब फैटी एसिड्स को आगे ज़्यादा ब्रीक नहीं किया जा सकता, आगे ब्रीक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से राइबो न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि क्या करता है डीएनए को और आरएनए को ब्रीक करने का काम करता है, राइबो न्यूक्लियस एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, एंजाइम डाइजेस्ट, डाइजेस्ट आरएनए एंड डीएनए। हमने बोला है जो आरएनए होता है ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ हो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनी शारक्स की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की बात करते हैं हम लोग, और हम लोग फॉस्फोरिक एसिड की हम लोग बात करते हैं और पेंटोस शुगर की बात करते हैं। इनमें क्या कर दिया जाता है, इन दोनों एंजाइम्स की सहायता से राइबो न्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस क्या कर देता है, इनको आरएनए और डीएनए को ब्रेक कर देता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेल में। थैंक यू।